हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। अभी 4 अप्रैल तक क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम्स चले हैं फ्रॉम CBSE बोर्ड, और जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है मई के 3rd वीक तक। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं हैं और वो चाहते हैं उनको रीचेक कराना। तो रीचेकिंग के लिए जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड एक नोटिस इशू कर दिया गया है फ्रॉम द CBSE अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो नोटिस यहाँ पर अभी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है और जो फीस लगेगी वो बताई है। तो जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है वो स्टार्ट होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन से, यानी अगर आपका रिजल्ट आया है 13 मई को तो 14 मई से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, और जो फीस लगेगी उसकी 500 पर सब्जेक्ट लगेगी, और ये अगले 5 डेज तक ओपन रहेगा, यानी आपको 5 दिन मिलेंगे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके आने थे 80 मार्क्स और गलती से लिख दिए गए हैं उसमें 40 मार्क्स, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया था, 80 मार्क्स आने चाहिए थे और ये 40 मार्क्स कैसे आए हैं। तो वो आपके जो कैलकुलेशन है वो चेक करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होगी मार्क्स की, इसमें कुछ भी चेकिंग नहीं होता है, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अब आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा लिया, आप चाहते हो आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप मंगा सकते हो अपनी फोटोकॉपी। फोटोकॉपी कराने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा 17 डेज बाद, यानी 17 डेज के बाद जो इसका लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और सिर्फ ये एक दिन के लिए ही ओपन रहेगा। आपको एक दिन का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। क्लास 12th के लिए 700 पर सब्जेक्ट है, क्लास 10th वालों के लिए है 500 पर सब्जेक्ट फॉर गेटिंग फोटोकॉपी, यानी आप अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगा सकते हो। फोटोकॉपी मंगाने के बाद जब आपने देखा तो आपको लगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस सही से चेक नहीं किए गए हैं, उनके सही से मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो री इवेल्यूएशन के लिए। री इवेल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आंसर सही से चेक नहीं है तो आप उसको रीचेक करा सकते हो, यानी दोबारा से चेक होगा और उसमें आपके मार्क्स फिर दोबारा से दिए जाएंगे, उसके लिए अलग से रिजल्ट फिर डिक्लेयर किया जाएगा। इसका जो लिंक ओपन किया जाएगा वो 21 डेज बाद किया जाएगा, और ये भी 1 डे के लिए ओपन रहेगा। इसमें आपको देने होंगे 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन को चेक कराने के लिए आपको 100 रुपीज़ देने होंगे। अगर आपके 2 क्वेश्चंस हैं तो आपको देने होंगे 200 रुपीज़, और ये जो स्टेप्स हैं ये 1 बाय 1 है, यानी आप किसी एक स्टेप पर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। आपको दोबारा से अपने क्वेश्चन चेक कराने हैं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप से, यानी सबसे पहले आपको अपनी जो आंसर शीट है वो वेरीफाई करानी पड़ेगी, उसके बाद आप को फोटोकॉपी लेनी पड़ेगी, फिर उस आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये था पूरा प्रोसेस रीचेकिंग के लिए, फोटोकॉपी के लिए, इवेल्यूएशन के लिए। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे करना है। और जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, टिल देन वॉच माई वीडियोज़। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, और साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।